नमस्कार, मैं अमितेश अग्निहोत्री। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। हालांकि यह रोक अस्थाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है। इस कमेटी में भूपिंदर मान सिंह मान प्रेसिडेंट हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के। इसके अलावा डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, जो इंटरनेशनल पॉलिसी हेड हैं, और अशोक गुलाटी, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, और अनिल धनवत, जो शेतकारी संगठन महाराष्ट्र के हैं, इनको इस कमेटी में शामिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी तो बना दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसान कमेटी के सामने पेश होंगे। किसान संगठनों ने कल ही एक संयुक्त बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया था, लेकिन इसके साथ यह भी साफ कर दिया था कि वे किसी भी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। इसके साथ ही किसानों द्वारा गणतंत्र दिवस पर कथित तौर पर बाधा डालने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। इसके लिए कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में किसान संगठनों का पक्ष रखने वाली वकीलों की टीम में शामिल वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने शीर्ष अदालत से मांग की है कि किसान संगठनों को रामलीला मैदान में प्रवेश करने की इजाजत दी जाए। यह जगह ऐसी होनी चाहिए कि जनता और मीडिया इन्हें देख सके। इस पर चीफ जस्टिस बोबड़े ने पूछा कि क्या किसान संगठनों ने रैली के लिए पुलिस और प्रशासन को आवेदन किया है, क्योंकि इस तरह के मामलों में तरीका यह होता है कि पुलिस और प्रशासन को आवेदन किया जाता है, पुलिस शर्तें रखती है और पालन न होने पर आवेदन रद्द कर देती है। कोर्ट ने किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से पूछा कि क्या किसान संगठनों ने इस तरह का कोई भी आवेदन किया है, तो वकील ने उन्हें जवाब दिया कि उन्हें अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं है, वह पता करने के बाद जवाब देंगे। भारतीय किसान यूनियन भानु के वकील ने कहा है कि बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, इसका उन्होंने आश्वासन दिया चीफ जस्टिस को। इस पर चीफ जस्टिस बोबड़े ने कहा कि हम आपके बयान को ऑन रिकॉर्ड पर ले रहे हैं। किसान संगठनों के वकील दुष्यंत दवे, भूषण गोंजाल्विस स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे हैं। कल दवे ने कहा था कि सुनवाई टाली जाए, वह किसानों से बात करेंगे, आज कहां गए। जब चीफ जस्टिस ने यह पूछा तो इस पर सालवे ने कहा कि दुर्भाग्य से लगता है कि लोग समाधान नहीं चाहते, आप कमेटी का गठन कर दीजिए और जिन्हें जाने का मन होगा वे जाएंगे। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज।